अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब इल्म और अजीज़ व्यूवर्स। ये अभी मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना सक रहा हूँ, थोड़ा बिजी जा रहा था। अच्छा, आज भी हमारा टॉपिक वही है, बेवल गेयर के हवाले से। मुझे काफ़ी कमेंट्स में सवालात मौजूद होते मौसूल होते हैं, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं। अच्छा देखें, ये भी एक फाइन बेवल गेयर हेलिक्स एंगल। अब पीछे मैंने भी एक और हेलेक्स बेवल गेयर की डायरी हेलेक्स एंगल का हमने डेटा दिया था, उसमें सेम यही साइज था, 47 2.5। ये एक हमने एक एग्जाम्पलें ली हुई हैं, लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ ओडी पता है, स्मॉल डाया पता है, यानी जो टेपर है ना वो पता है हमें। अब उसकी बिहाफ के ऊपर हमें इसका कॉट मालूम करना है, 10 बीटा, ये मालूम करना है। तो यानी तीन चीजें हमें पता है बस, और फिर हमें ये चीजें मालूम करनी है। तो इसका जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू आएगी ये कॉट पे आएगी, कॉट कॉट एजेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये फार्मूला लिख देता हूँ। ओडी माइनस स्मॉल डाया 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूल मल्टीप्लाई कॉस PRESS, ये प्रेशर एंगल। अब देखें, ये फार्मूला बेसिकली है प्रेशर एंगल, लेकिन ये प्रेशर एंगल अमूमन 20 होता है, लेकिन मैं यहाँ 20 नहीं लूंगा, यहाँ मैं प्रेशर एंगल 45 डिग्री लूंगा। ठीक है, ये अमूमन 20 होता है, ये जहन में रखिएगा। यहाँ जो के ये हमने कॉमन वैल्यूज वैल्यूज ली है, ये मैंने अभी पिछली वीडियोस में भी मैंने यही वैल्यूज ली हुई थी, लेकिन यहाँ आप केस हमने ये कुछ इस टाइप का डाला हुआ है। चले जी, अब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व। ओडी हमारे पास क्या है, 47 माइनस स्मॉल डाया क्या हमारे पास, याद रखिएगा ये वो है जो बड़ा डाया होता है और फिर छोटा डाया जो टेपर काटने के बाद लेथ पे जो टेपर आप काटते हैं ना, ये जब बनता है ये डाया, तो ये वो चीज है। ठीक है, फार्मूले का 2 मॉड्यूल 2.5 मल्टीप्लाई कॉस 45। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 20 डिग्री होता है ज़्यादातर, लेकिन हम यहाँ 45 ले रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल हल करना है इस वजह से। अच्छा जी, ये आ जाएगा 16.9। इसको हल करेंगे तो इसका जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 47 30.12 × 2.5 0.7071। अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16.9 ÷ 3.5355। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा 4.7। जाहिर है जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.78। 4.78 ये आ जाएगी कॉट हमारे पास, 4.78 कॉट। ये कॉट जब हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन आता है 4.77
7 2 9, ये आ गया हमारे पास 11 डिग्री 50 मिनट। याद रखिएगा बेवल गेयर के अंदर ये डिजाइन फार्मूले हैं सारे। बार दफा ऐसा होता है कि जैसे 11 डिग्री 50 मिनट 50 मिनट छोड़ देते हैं, तो इसकी जगह यहाँ 12 डिग्री ले लेते हैं। जब आप कैलकुलेशन से हल करते हैं तो फिर ये चीजें नहीं आती, उनमें वैल्यू में चेंजिंग आती है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अभी 11 डिग्री 50 मिनट से तो दूर ही रखा जाता है, वो रख दे 12 डिग्री कर देंगे या 11 डिग्री कर देंगे। वैसे 12 डिग्री कर देते हैं क्योंकि 10 मिनट कम है 11 12 डिग्री होने में, तो इसको 12 डिग्री कंसिडर किया जाता है। तो ये तरीकेकार है इनके मुख्तलिफ। अब देखें, मैंने बेवल गियर के काफ़ी आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा हमारा, एक इंडिया से क्वेश्चन आया तो उसके हॉबिंग से मुतलका नेक्स्ट वीडियो जो मेरी बनेगी वो हॉबिंग से मुतलका है। इसको फिर हम, ये बहस हमारी चलती रहेगी इसके सिलसिले में। मजीद सवाल आता मुझे भेजते रहा करें ऐसे ही, लेकिन सवाल वो भेजें जो हमारे, आप या तो इंग्लिश में भेज दिया करें जो आपको, जो आप कर सकते हो, या आपकी मशीन वगैरह हो जिस पर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो सवालात वगैरह इस पर भेजा करें। तो ये चीज़ों को आप जहन नशीन कर लें, ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता। ये भी मैं काफ़ी मेहनत से सर्च करता हूँ, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तालीम को आम करें, अपने अपने मुल्क की खिदमत करें, और अपने लिए भी रिस्क हलाल कमाएं। इसके साथ ही शाहिद निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।